होम्योपैथी रिसर्च परिषद नागपुर में होने जा रही है। 18 व 19 मार्च को होने वाली परिषद का शुभारंभ शनिवार को शहर के कबीरवीर सुरेश भट्ट सभागृह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे व अध्यक्ष डॉक्टर विलास डांगरे करेंगे। इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। परिषद में देश भर से होम्योपैथी डॉक्टर, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों समेत होम्योपैथी क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 2500 से अधिक प्रतिनिधि इस परिषद का हिस्सा लेंगे और वही डॉक्टर नितेश चंद्र दुबे के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। दिवसीय परिषद में पहली बार होम्योपैथी से जुड़े देश भर के संस्थान के संचालक व सदस्यगण व विशेष डॉक्टर एक मंच पर होंगे। पहले दिन मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपने गानों का जौहर दिखाया। वो बहुत अभिन्न होती है, विलक्षण होती है और वो सुनी हुई नहीं होती, वो एकदम नहीं होती है। हम सबके पास ये विद्या है परंतु हम उसका अभ्यास नहीं करते। हमने किया है, अब जब किया है तो हम आपको बताते हैं। ये दुनिया कौन चलाता है ये बताइए। सब कहेंगे परमात्मा चलाते हैं, परमात्मा भगवान चलाते हैं। आज की दुनिया को कंप्यूटर चला रहा है। गूगल के हेडक्वार्टर में हम ये प्रश्न पूछे तो हमने पूछा भाई ये दुनिया कौन चला रहा है, तो वहां तो गॉड वर्ड बोलते हैं, गॉश बोलते हैं उधर, गॉश और गॉश। भाई किसका? पहले दिन एक पेशेंट आए क्लिनिक में, हो सकता है कि दूसरे दिन एक भी पेशेंट नहीं आया और तीसरे दिन हो सकता है कि आपके पिताजी ही कहें कि क्या कर रहे हो सकता है कि आप टीचर का फॉर्म भरने लगे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनकी निराशा का लेवल इस लेवल पे गया हो। होम्योपैथी में ऐसा होता है, कई मेरे मित्र हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यहाँ पर होम्योपैथी के जो यहाँ पर बुजुर्ग चिकित्सक हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा आवरण होम्योपैथी को दिया है। आप जब आप समझिए कि किसी भी मरीज को रस्टक्स का टोटल सिम्टम है, होम्योपैथी के छात्र है गलती से ब्रोनिया दे दिया तो 3 दिन में खांसी ठीक होगा। रस्टक्स का सिम्टम है, रस्टक्स दे दिया तो 1 दिन में खांसी ठीक हो जाएगा। बेलाडोना दे दिया तब भी 4th दिन खांसी ठीक होगा और प्लासिबो दिया। NBCN न्यूज के लिए अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।